जो है महापौर कार्यालय के बाहर खाली बाल्टियां लेकर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि पिछले काफ़ी दिनों से शिमला की जनता जो है त्राहिमाम कर रही है पानी को लेकर। और इस शिमला शहर का दुर्भाग्य ये है कि 2016 में एक गंभीर पानी का संकट आया, 2018 में फिर एक पानी का संकट आया, लेकिन जो नगर निगम है उसने कभी भी इस बात से सबक नहीं लिया। शिमला के लिए आम कहावत हो गई है अब तो कि सर्दियां आएंगी तो पाइपें जाम हो जाती हैं, गर्मियों में पानी के स्रोत सूख जाते हैं, बरसात आएगी तो भी ये कहा जाएगा कि गाद आ गई। तो इस सारी परिस्थिति में जनता क्यों परेशान हो? आज टूटू और शिमला शहर के दूसरे इलाकों में जो हम देख रहे हैं, एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है पानी नहीं मिल रहा है लोगों को। जो नगर निगम शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड जो पानी देता है वो पानी जनता को एक एक हफ्ते तक नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर जो दूसरा एक दायरा है जल शक्ति विभाग जो है, जो कि हालांकि नगर निगम के दायरे में नहीं है, लेकिन उसका पानी भी 8-8, 10-10 दिन से नहीं आ रहा है। और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि लोगों को पीने का एक गिलास तक भी पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है। हमारा मानना यह है कि जब स्वयं अखबारों में और आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से नगर निगम के प्रशासन ने इस बात को कहा है कि 16-17 MLD पानी हमें मिल रहा है रोज़ाना, पहले पानी कितना मिलता था 48 MLD, उसमें रोज़ भी पानी मिल जाता था उतने पानी में, और अगर 16 MLD मिल रहा है तो मतलब उससे एक तिहाई पानी मिल रहा है जितना नॉर्मली मिलता था। तो अगर एक तिहाई पानी मिल रहा है तो तीसरे दिन तो पानी मिलना चाहिए था उस नियम के अनुसार, लेकिन हो क्या रहा है कि जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं या जो प्रभावशाली इलाके हैं या प्रभावशाली दायरे हैं या प्रभावशाली कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पानी जो है फिर समय पर मिल रहा है, लेकिन जो आम जनता है जहाँ पर रहती है जिन मोहल्लों में, उस तरीके से पानी उनको मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। और ये बड़ा फेलियर है नगर निगम प्रशासन का। तर्क दिया जा सकता है कि बड़ी आपदा चल रही है, जो सच्चाई भी है कि आपदा चल रही है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए ही प्रशासन होता है। आपदा से निपटने का क्या पूरा तौर तरीका होता है वही काम प्रशासन का है, वही नगर निगम का है, वही SJPNL का है। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है, शिमला जल प्रबंधन निगम के बीच में और नगर निगम के बीच में। और जो एक पुख्ता एक योजना होनी चाहिए थी इनके पास पानी देने की, वो नहीं है। तो आज स्थिति इस तरीके की आ गई है कि लोगों को पीने के पानी से भी वंचित होना पड़ रहा है। नहाए तो लोगों कई दिन हो गए हैं, कपड़े धोने का सवाल छोड़ दीजिए, अब बच्चों के स्कूल दोबारा से शुरू है, उनके लिए भी स्कूल जाने के लिए भी उनको तैयार करने में दिक्कत आ रही है। बहुत सारा जो यहाँ का शिमला का जो संरचना है उसके अनुसार वर्किंग पॉपुलेशन है, काम करने वाले लोग हैं जिनको ड्यूटी जाना ही पड़ता है, तो उसके लिए भी उनके नहाने धोने तक का जो है पूरा इंतजाम जो है नगर निगम नहीं कर पा रही है। तो हम जो है आज इस मौन प्रदर्शन के माध्यम से यही कहने आए हैं कि ये जो एक तरह से बंदरबांट चल रही है, कई कई जगह पानी आ रहा है, नियमित तौर पर भी आ रहा है, और बहुत सारी जगह ज़्यादातर जगह पानी नहीं आ रहा है, जहाँ जो है लोग उस तरीके से प्रभावशाली व्यक्ति नहीं रहते हैं या आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनकी कोई फिक्र करने वाला नहीं है। इसलिए आज का ये मौन प्रदर्शन हमने किया और हम यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम अगर आपके पास 16 MLD जो मिल रहा है, तीसरे दिन तो आपको पानी देना चाहिए ना। आप एक आज से कुछ साल पहले 2018 से पहले क्या था, 2016 से पहले क्या था, 25 या 26 या 27 MLD पानी में भी जो जनता को पानी मिलता था कम मिलता था, लेकिन हर दूसरे दिन पानी या रोजाना भी पानी मिल जाता था। तो आज कैसी क्या स्थिति होगी कि 16 MLD आपको मिल रहा है, तीसरे जितना कुल मिलता है आज के दिन में उसका तीसरा हिस्सा मिल रहा है, तीसरे हिस्से में मिलने के बावजूद भी आप 10-10 दिन तक 8-8 दिन तक पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो पूरा एक बंदरबांट चल रही है, ये नाकामी है प्रशासन की, ये नगर निगम का फेलियर है, और इसी के खिलाफ आज हम अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं। तो क्या आपका कहना है CBI के लोगों को ही जो है तवज्जो दिया जा रहा है, उन्हें ही जो पानी दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि हमने टैंकर भी लगाए हैं और कई क्षेत्रों में जो है पानी आ भी गया है। देखिए, शिमला नागरिक सभा जो महसूस करती है, अब हमें नहीं मालूम वो घोषणाएं जो हो रही हैं कि टैंकर आ रहे हैं, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, जो हम यहाँ आए हैं जो बैठे हैं, उस जगह पे तो आज तक हमने टैंकर देखा नहीं, मैंने तो एक कम से कम नहीं देखा है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, जिस जगह रहता हूँ, या ये लोग जहाँ रहते हैं, वहाँ तो हमने टैंकर देखा नहीं। तो अगर टैंकर भी जा रहे हैं तो वहाँ पंत्रवाट हो रही है, उससे बड़ी बात क्या होगी। हम मेयर कार्यालय के बाहर बैठे हैं, यहाँ डिप्टी मेयर साहिबा बैठती हैं अंदर, इन्होंने खुद इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने जो टैंकर मंगवाया था वो टैंकर ही हाईटेक हो गया, वो टैंकर नहीं और पहुँच गया और वो टैंकर नहीं मिला।
तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि भाई टैंकर भी अगर आ रहे हैं तो वो भी कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, उसका क्या पूरा प्रोसीजर है, वो किसी को मालूम चल नहीं रहा है। क्योंकि आपको मालूम है यहाँ से सरकार चलती है, यहाँ पूरा प्रशासनिक अमला बैठता है, बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं यहाँ, बड़े बड़े जो है प्रभावशाली लोग बैठते हैं, रहते हैं शिमला के अंदर। तो ये सारी कोरी बातें हैं, हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि पानी का जो बंटवारा है, उसका जो आपूर्ति है, वो नियमित तौर पर होनी चाहिए। नियमित का मतलब कि अगर कहीं आना है तो उसी टाइम शेड्यूल में आए, सब जगह को एक नियमित अंतराल के बाद मिले। ऐसा ना हो कि किसी को 8-8, 10-10 दिन तक ना मिले और किसी को जो है रोज़ या दूसरे या तीसरे दिन मिले। तो अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स को सर्वाइव करने के लिए पानी एक बुनियादी आवश्यकता है, और पानी तो चाहिए ही चाहिए, पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए। Thank you.